आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कॉमन कोल्ड के बारे में। सोर थ्रोट और रनी नोज सबसे पहला साइन होता है और उसके बाद होता है कॉफिंग और स्नीजिंग। कॉमन कोल्ड ही ज़्यादातर मेन रीज़न होता है कि बच्चे स्कूल्स मिस करते हैं और एडल्ट्स वर्क मिस करते हैं। US में हर साल कॉमन कोल्ड के मिलियंस ऑफ केसेस पाए जाते हैं। ज़्यादातर कॉमन कोल्ड विंटर के सीज़न में या स्प्रिंग के सीज़न में होता है, पर साल के किसी भी टाइम हमें कॉमन कोल्ड हो सकता है। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं सोर थ्रोट, रनी नोज, कफिंग, स्नीजिंग, हेडेक और बॉडी एक। ज़्यादातर लोग 7 से 10 दिनों में रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या जिन्हें अस्थमा है या रेस्पिरेटरी कंडीशन है, उनके सीरियस इलनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने आप को कॉमन कोल्ड होने से कैसे बचाएं? सबसे पहले, ऐसे वायरसेस जिससे कोल्ड होते हैं वो इन्फेक्टेड लोगों से हवा या फिर पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं। ये तब हो सकता है जब आप किसी से हाथ मिलाएं या ऐसे सरफेस को टच करें जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, जिसमें वायरस ऑलरेडी फैला हुआ हो, और अब फिर आप अपने हाथ से उसे टच करें अपने आईज़ में या माउथ में या नोज़ में, तो ये आपके बॉडी के अंदर फैल जाएगा। कोल्ड होने का रिस्क कैसे रिड्यूस करें? सबसे पहले, अपने हाथों को हमेशा साबुन और पानी से धोएं। जब भी आप कभी बाहर जा रहे हैं, बाहर से आने के बाद या किसी से पैसे एक्सचेंज करने के बाद या कोई और चीज़ एक्सचेंज करने के बाद, खाना खाने के बाद, हमेशा साबुन और पानी से हाथ धोएं। ऐसी जगहों में जहाँ पे साबुन पानी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आईज़, माउथ और नोज़ को हैंड वॉश किए बिना बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि अगर वायरसेस इन जगहों पर घुस गए तो आप किसी वक्त भी बीमार पड़ सकते हैं। जो लोग पहले से बीमार हैं उनसे दूरी मेंटेन करें। बीमार लोगों से वायरसेस आसानी से स्प्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है अगर आप उनके क्लोज आए तो। हाउ टू फील बेटर? कॉमन कोल्ड का कोई क्योर नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करें, गर्म लिक्विड कंज्यूम करें। अगर आप घर पे हैं तो आप घरेलू ड्रिंक्स भी बना सकते हैं, पर बनाने से पहले आप अपने पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट से ज़रूर कंसल्ट करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक्स आपके कॉमन कोल्ड को ठीक होने में फ़ायदा नहीं करेगा। इनफैक्ट वो आपकी बॉडी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में बाधा डाल देता है। सो व्हेन टू सी अ डॉक्टर? आप डॉक्टर के पास तभी जाएं जब आपको इनमें से एक या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, जो 10 डेज से ज़्यादा स्टे कर रहे हों, जो बहुत ही सीवियर और अनयूजुअल हो, या फिर आपका बच्चा जो कि 3 महीने से छोटा हो, उसे फीवर हो और वो बहुत ही सुस्त हो। अगर आपको सीरियस फ्लू कॉम्प्लिकेशंस हो या फ्लू सिम्टम्स हो, जैसे कि फीवर, चिल्स यानी कि शरीर का कपकपाना और बॉडी पेन, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कॉल करना चाहिए। फ्लू कॉम्प्लिकेशन का हाई रिस्क उन्हें होता है जो कि 5 साल से छोटे होते हैं, यानी कि छोटे बच्चे, या फिर एडल्ट्स 65 ईयर्स या उनसे बड़े, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर जिन्हें मेडिकल कंडीशन हो जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़।